हमने हिस्ट्री बनाई और अपने देश का सबसे बड़ा नक्शा आसमान में बनाया। लॉयर आप ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, तो उसके बाद मे बी आपका दिल कर जाए तो आप जज बन जाए तो गौरव तो नहीं जाए एज अ जज? जज तो सब सारी दुनिया है, सब लोग करते ही जाते हैं। 26 का पहाड़ा एक बार हमें सुना दीजिए। मैं तो रिपब्लिक डे फाइनली आ गई है और इस बार द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, इस बार फ्लाइंग बीस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और फ्लाइंग बीस्ट ने एक बहुत ही इनोवेटिव एक ये स्टार्ट किया है जिसमें भारत का मैप ये फ्लैग स्काई में बना रहे हैं। सर प्लीज, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन नेटवर्क 18 सर। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू स्पीक टू यू टुडे। पर्सनली स्पीकिंग, आई एम अ बिग फैन रितु मैम, आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ yours and your vlogs are absolutely absolutely heart touching and very very honest. So in fact my entire family watches your vlogs, so yes, it is an absolute honor for me to speak to both of you together. So it's absolutely like a dream come true and I'm actually fanboying at this point in time. So yes sir, so jo ye aapka ye jo aapne start kiya hai, ek muhim start ki hai, इसका मोटिवेशन सर आपको इनिशियली कहाँ से आया और ये कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स देख रहा था, आप इससे पहले भी यूएस गए थे, तब आपने लाइसेंसेस वगैरह का कुछ काम करवाया था वहां पर, तो ये क्या तभी से स्टार्ट हो गई थी या अभी आपने ऑफ लेट ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ हमें करना चाहिए? नहीं, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो लाइसेंस सारे रिन्यू करके चला गया था और उसमें था कि अभी तो मैं फ्लाइंग अपनी कैसे करेंगे वो देख लेता हूँ। उसके बाद जब से मैं इंडिया आया तब से मैं ये प्लान आउट करने में लगा था कि जो मैप, अगर हमें एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है उस मैप की शेप में, तो तीन जगह सबसे डिफ़िकल्ट है इंडिया के मैप में फ्लाई करना। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो सेवन सिस्टर्स हैं और तीसरा गुजरात। तो मेरे को सारा टाइम इन्हीं तीनों को प्लान करने में लग गया कि ये तीन सबसे मेन पोर्शन है, तो अगर ये बन गए तो मेरा मैप पूरा बन जाएगा। तो उसके बाद से फिर उसको कैसे करना है, उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट, जितने भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सब कुछ मैंने हेल्प लेके लगाया कि यार कैसे इसको फ्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि हम जिस एयरक्राफ्ट में, छोटे एयरक्राफ्ट में रेंट करके फ्लाई कर रहे थे, वो पूरा मैनुअल है, उसमें कहीं पर भी ऑटोमेशन या ऑटो पायलट नहीं लगता। तो सिंगल बंदे का वो फ्लाई करना तो बहुत मुश्किल था। तो मेरी जो नेविगेटर है लाइफ की, वो इस मिशन की भी नेविगेटर है, तो मेरी धर्म पत्नी नेविगेट कर रही थी और मैं फ्लाई कर रहा था। तो इनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब, अगर जो फ्लाइट हमने की है 2-2.5 घंटे की, अगर उसमें आप देखें तो मैंने पूरे 2-2.5 घंटे इनके इंस्ट्रक्शंस माने। ये कह रही हैं लेफ्ट तो लेफ्ट, 5 डिग्रीज राइट तो 5 डिग्रीज, क्लाइम करो, डिसेंड करो, पावर ऐड करो, सब कुछ। मतलब उस 2 घंटे पूरा इनकी सुन के हमने वो मैप फाइनली किया। तो हाँ, काफ़ी टाइम से हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे थे, 2-2.5 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एंड इतने सारे लाखों लोगों का सपोर्ट था कि फाइनली हमने हिस्ट्री बनाई और अपने देश का सबसे बड़ा नक्शा आसमान में बनाया। बट मतलब आप डिफिकल्ट वाले टास्क आप लेते रहते हैं, मतलब नॉर्मल चीजें आपको करना पसंद नहीं है। जैसे अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था और मैंने बताया कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बोला कि यार इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं, ट्राई कलर क्यों नहीं बना लेते, तीन रंग एक तीन लाइनें खींचनी होंगी आराम से बन जाएगा। तो हर चीज को कैसे आप इतना डिफिकल्ट बना के कर भी देते हैं, वो हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एंड योर विल पावर सर, एब्सोल्युटली अमेजिंग, समथिंग टू लर्न फॉर एटलीस्ट पीपल इन माय जनरेशन, दैट इज समथिंग दैट वी शुड एब्सोल्युटली लर्न फ्रॉम यू, कि कितना मोटिवेशन और कितना जो एक तरफ आपका मैंने बहुत देखा है सर। अभी आप क्रिकेट पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, इससे पहले द मैन यू व्हिच क्वालिफाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर योर लॉ, उसके लिए भी आपने इतना लेट स्टार्ट, उसके बाद भी यू क्वालिफाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बच्चे आज भी डिप्रेस हो जाते हैं कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो ये जो मोटिवेशन सर ये कहाँ से आता? और रितु मैम का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके ब्लॉग्स में एब्सोल्युटली दिखता है कि बिना रितु मैम के तो शायद गाड़ी बिल्कुल भी ना चले, तो रितु मैम कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर आपके साथ? हर किसी के लाइफ में उनके जो पार्टनर होते हैं, बेटर ऑफ होते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि अकेले आप नहीं कर सकते। जब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तब आता है जब चीज़ें खराब हो जाती है, व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू डोंट हैव अ वे फॉरवर्ड। कि इसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ, हमको लगा कि मतलब यहाँ यूएस आने से 3 दिन पहले तक हम डाउट में थे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाइनली बस एक भरोसा किया कि यार अगर नहीं भी हो पाएगा तो जाके फाइट मारते हैं, और यही मेरी लाइफ का मंत्र है। मैं ये मेरे को हमेशा कहती है गौरव, जो लोग
कोशिश करते हैं ना वो हारते नहीं है। तो मैंने कहा चल यार अब जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं वहां पे और अगर हमने सच्ची मेहनत की है तो भगवान हमारे साथ देगा। लिटरली ऐसा हुआ था कि पूरा सब प्लान कर लिया था, सब कुछ करके पहले तो इसको बनाना ही, इसके लिए कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इस मिशन को, वही सबसे डिफिकल्ट टास्क था। पहले तो वो सब हमने फिगर आउट किया, उसी में हमें बहुत टाइम लगा। फिर आने से 2-3 दिन पहले ही ना ऐसा हो गया कि हमें लगा यार नहीं हो पाएगा ये, बट हमने कहा यार कुछ नहीं होता, ट्राई करते हैं, चल ट्राई कर करके तो देखते हैं। एंड उस टाइम पे इन्होंने यही कहा था कि यार देख चलते हैं, देखी जाएगी, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा बट ट्राई मारेंगे। हम लोग आए जब यहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के बाद हमें रियलाइज हुआ, जो देखो एक तो था पेपर पे प्रिपेयर करते हो, घर पे बैठ के प्रिपेयर करते हो, एक है जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो ना, स्पेशली वाइल फ्लाइंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत अनसर्टेनिटी रहती है जिन चीज़ों की, वेदर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया आपका, ट्रैफिक हो गया, ATC इंस्ट्रक्शंस हो गई, हर चीज़ को अलाइन करना कि आप एग्जैक्टली वही चीज़ फ्लाई कर पाओ जो आप चाह रहे हो, और उन 3 घंटे के लिए आप बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन लगा के बैठो कि अब टर्न करना है, अब ऊपर जाना है, अब नीचे जाना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मेंटल फटीग बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। मैनुअल फ्लाइंग होती है, एक तो होगी एयरलाइन की फ्लाइंग, आप ऑटो पायलट लगा के फ्लाई कर रहे हैं, जो मैनुअल फ्लाइंग होती है मेंटली बहुत ज्यादा फटीगिंग होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, नक्शा बना लिया, 3-4 नक्शा बना लिया, अब एकदम से ATC कहता है कि यार ये लेवल खाली नहीं है या इस हेडिंग पे आप नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास सामने से दूसरा ट्रैफिक आ रहा है, आप टर्न लेफ्ट, तो पूरा मैप आप गया वो आपकी पूरी मेहनत गई। नाउ यू हैव टू अगेन गो नेक्स्ट डे एंड ट्राई। तो वो भी हुआ हमारे साथ, बट फिर भी हमने हार नहीं मानी और काफी अच्छा हमें रिस्पांस मिला, लोगों को इतना सपोर्ट मिला एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड, जो कि देख के हमें मतलब और ज्यादा वो क्या बोलते हैं एनर्जी वो देख के आती है। एंड बड़ा प्लेन चलाने के बाद ये छोटे प्लेन ऑब्वियसली बहुत रिस्की से भी लगते होंगे, आपके बच्चे घर पे हैं, बच्चों को घर पे छुट्टी आके, और मैं देख रहा था आपका एक जिसमें आपको ट्राई कर रहे थे स्टार्ट करने का और वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, और ऐसे प्लेन में थोड़ी देर के बाद उड़ के जाना अपने आप में, मैं तो नहीं बैठूं, मैं आई एम ऑलरेडी काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ दैट। वाज एक्चुअली वेरी स्केरी, मैं भी वो व्लॉग देख रहा था, वो 4 बार स्टार्ट ही हुआ, 5वीं बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो आप चोक कर रहे हैं उसका, और मैंने कहा ये इसमें कैसे उड़ रहे हैं, ये राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया था वही वाला प्लेन तो नहीं है वो थोड़े से थोड़ी सी ओल्डर टेक्नोलॉजी है, बट एक बार स्टार्ट हो जाए फिर बंद नहीं होता वो सुना था कि स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होगा स्टार्ट, जैसे वो सुबह सुबह बच्चे को उठाओ स्कूल में तो उठता नहीं है ना, उठ जाए तो फिर वो निकल लेता तो मतलब इस स्टोरी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे खेलना चाहूंगा, और रैपिड फायर के लिए मैं सोच रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए, फिर मुझे लगा गौरव तनेजा खुद आ रहे हैं तो रैपिड फायर यही होना चाहिए कि अब अगला प्रोफेशन कौन सा, और उसमें अगर आप इमेजिन करते हैं तो अपने आप को, तो मैं बस नाम फायर करूंगा, आप ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, यूट्यूबर आप है ही, बॉडी बिल्डिंग आप कर चुके हैं, पायलट आप रह चुके हैं, ग्राउंड स्टाफ पे आप रह चुके हैं, तो अब 4-5 चीजें फेंकता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को उस चीज में देखते हैं, क्या पता हम लोग आपको मोटिवेशन दे जाए एक और नए करियर का, ठीक है। तो गौरव तनेजा एज अ क्रिकेटर, सबसे पहले क्रिकेट मेरा बड़ा मन है यार क्रिकेट खेलने का, मैं तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी सुबह 2 बजे की फ्लाइट थी हमारी US आने की, और मेरा शाम का मैच था, 11 बजे में मैच खत्म करके सीधा मैं एयरपोर्ट गया, किस प्रकार का सपोर्ट रहता है पार्टनर, तो इस प्रकार का रहता है। तो होपफुली वी आर गोइंग टू सी अनदर प्रवीण तांबे इन द मेकिंग। मैंने वो मूवी देखी व्हाइल कमिंग, आई सॉ दैट मूवी, बड़ी इंस्पायरिंग मूवी लगी मुझे, बट हाँ मे बी IPL तो हो ही सकता है। चलिए नेक्स्ट, गौरव तनेजा एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है इस फील्ड का मतलब, बट कैसे ABCD भी नहीं पता मुझे, वो आप लोग ही ये काम करें, वो मैं बस इंटरव्यू दे सकता हूँ बस। सर गौरव तनेजा एज एन एक्टर।
वो भी मुझे नहीं लगता कुछ, क्योंकि मैंने ट्राई किया, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एज अ नेचुरल एज अ वो बात करता हूँ ना, तो मैं आप मेरे को बोलिए कि इस बारे में बात करनी, तो मैं एक घंटा लगातार बोल जाऊँगा बिना रुके। आप मुझे 5 लाइन की स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं उसको आधे घंटे में भी नहीं कर पाऊंगा। तो लॉयर आप ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, तो उसके बाद मे बी आपका दिल कर जाए तो आप जज बन जाए, तो गौरव तो नहीं जाए एज अ जज? जज तो सर सारी दुनिया है, सब लोग करते ही रहते। मैं अंशुल को ये इंटरव्यू से पहले बोल चुका था यही आंसर आएगा, हमारी शर्त लगी। सभी लोग एक लास्ट वाला एक और था क्या था अंशुल, याद आ रहा है? एक लास्ट वाला एक और था ना? नहीं देखिए सर, आप अब आपने इतने इंटरव्यूज दे दिए हैं, आप बिल्कुल ऑन पॉइंट बातें करते हैं, यू नो व्हाट टू स्पीक और व्हाट नॉट टू स्पीक, तो क्या आप कुछ पॉलिटिशियन बनने के फिराक में भी हैं क्या थोड़ा सा? सर पॉलिटिशियन बनने का कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे फॉलोअर्स तो हैं सर आपके पास, सपोर्ट तो मिलेंगे आपको। हाँ कभी सोचा नहीं इसका, लेकिन जैसे दिमाग में बहुत सारे अभी आइडियाज और आते रहे, अभी ये एग्जीक्यूट कर लिया तो बस दिमाग अभी नेक्स्ट चीज पे, कि नेक्स्ट चीज क्या एग्जीक्यूट करनी है, तो मतलब इसी पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है फिलहाल, तो जब आइडियाज आना बंद हो जाएंगे तो सोचेंगे। अच्छा बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, बच्चे कहते हैं कि भाई गौरव त्रेजा हमसे पहाड़े पूछते रहता है, 26 जनवरी आ रहा है, 26 का पहाड़ा एक बार हमें सुना दीजिए। मैं 2 का और 6 का सुना लेता, आप 26 का मिला के बना लेना। अब मुझे लगा बैटिंग अच्छी करते हैं तो मैं भी गूगली फेंक के देखता हूँ। नहीं ये तो ऑफ साइड के भारत में हाँ क्या लीव किया, ब्रिलियंट लीव। There are some balls which are meant to be left. उनके साथ विराट कोहली भी छिड़काने नहीं करते। तो राहुल द्रविड़ की आंखों में आंसू आ गए होंगे। इंडियन क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सर फेवरेट ऑब्वियसली विराट, क्योंकि जो उनका क्लास है बहुत अच्छा है। एंड देन हार्दिक मुझे बहुत पसंद है, अक्षर पटेल मुझे बहुत पसंद है, कंसिस्टेंट खेलते हैं। एंड बुमराह अभी इंजरी में चल रहे हैं, बुमराह पसंद थे मेरे को। एंड पुजारा का जो गेम है, जो टेस्ट मैच बचाते हैं इंडिया के लिए, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपको पता नहीं घर से निकाले ना निकाले, ऋतु जी हमें जरूर निकाल सकती है। अच्छा मैम बस ये एक क्वेश्चन की मैम, कितना मुश्किल होता है मैम और गौरव सर आप लोगों के लिए लीविंग योर किड्स, राशि पीहू इतने छोटे बच्चे हैं उनको घर पे छोड़कर? मुश्किल तो नहीं, मैं मुश्किल नहीं कहूंगी, क्योंकि दादा दादी होते हैं तो फिर थोड़ा सा उस सेंस में हम रिलीव्ड रहते हैं, लेकिन यार वैसे लगता है कि हाँ थोड़ा सा ना यू मिस योर किड्स, दैट्स समथिंग। तो मुझे वैसे बस डिफिकल्ट पार्ट ये है कि हाँ यू हैव टू बी मोर स्पॉन्टेनियस, यू हैव टू डेली ट्रैवल, तो जनरली हम ये लोग यही ट्राई करते हैं कि बच्चों के साथ ट्रैवल करें, कहीं पे भी जा रहे हैं मोस्टली हमारी वो रहती है जितना पॉसिबल, हाँ जितना पॉसिबल हो सके। फिर नहीं होता तो फिर हम दादा दादी का सपोर्ट भी करते हैं, बट ये चीज़ अच्छी है कि यार जब दादा दादी साथ होते हैं तो टेंशन नहीं होती, तो फिर मेरे को वैसे इसलिए वो मुश्किल नहीं लगता, तो हाँ बट याद आती है। ठीक है डेफिनेटली दे लकी किड्स क्योंकि उनका हाँ जाने से पहले मेरी तरफ से बच्चों का ना कितना हम रखते हैं उससे ज्यादा वो ध्यान रखते हैं। तो मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन, बस ये पूछ रहा था मतलब क्योंकि न्यूज वालों की एक आदत होती है एक एक्सक्लूसिव एलिमेंट निकल जाए, तो ऋतु अगर आप बताना चाहो कि अगले साल के बर्थडे के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? मेरे मैं सोच रही मैं यूएस में बुलाती हूँ अगली बार। हाँ मुझे पता चला है शायद यूपी पुलिस अभी सुना है यूएस की तरफ ही निकल रही है। यार आप मानेंगे नहीं मेरे मुंह में मीटअप का इतना खौफ हो गया ना, मैंने मीटअप मतलब सोचा भी नहीं मीटअप के बारे में, मतलब इतना ज्यादा मेरे को डर लग गया मीटअप करने से, बट 25% इक्विटी दे रहे हैं। चार डब्बे में से एक डब्बा में मिल जाएगा तो एक डब्बे में हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड, थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। आसमान में भारत हैशटैग एक्चुअली में कल ट्रेंड करे, आज ट्रेंड करे और अच्छे से सब लोग आपकी से प्रेरणा लेते रहे और मल्टीपल करियर्स नहीं कम से कम एक करियर में अच्छा करके दिखाएं। अरे धन्यवाद धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशुल, थैंक यू थैंक यू ऋतु मैम।